हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम मनीष कौशल है और मैं एक कंप्यूटर प्रोफेशनल हूं जो आपके लिए नए नए वीडियोस लेके आता रहता हूं जो कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होते हैं। दोस्तों, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्रोग्राम बताने वाला हूं जो मैथ में भी कैलकुलेट किया जाता है और किसी भी लैंग्वेज में उसका प्रोग्राम बना सकते हैं। जैसे आज की डेट में, मतलब करंट डेट में, आप कितने साल, कितने महीने और कितने दिन के हो गए हैं, यहाँ पर यह कैलकुलेट करना है तो उसको किस प्रकार से किया जाएगा। मैंने यहाँ पर दो डेट दी हुई हैं, एक पहली डेट दी है और एक दूसरी डेट दी है। इसको आप ध्यान से सुने पूरे वीडियो को, आपको पूरा पता चल जाएगा कि ये किस लिए है और किस प्रकार से इसका यूज़ करते हैं। तो डेट फॉर्मेट जो इसमें लिया गया है वो लिया गया है DDMMYY, मतलब पहले जो है वो डेट आएगी, उसके बाद मंथ आएगा और फिर ईयर आएगा। तो ये डेट फॉर्मेट दोस्तों ध्यान रखें, क्योंकि ये जो डेट फॉर्मेट है ये अमेरिकन स्टैंडर्ड के अनुसार नहीं है, ये ब्रिटिश स्टैंडर्ड के अनुसार है जो हम लोग यूज़ करते हैं, जिसमें डेट पहले आती है। लेकिन यदि हम अमेरिकन स्टैंडर्ड का यूज़ करें तो उसमें मंथ पहले आता है। तो उसको ध्यान दीजिए, ये जो पहली डेट है जो 4/10/2019 लिखा हुआ है, ये करंट डेट है। एक्चुअली में करंट डेट का मतलब जो आज की डेट होगी, सिस्टम की डेट होगी, या आप नई डेट कोई भी ले सकते हैं। इसको आप कॉपी पर लिख करके भी कैलकुलेट करें तो आप किसी की भी बर्थ डेट से लेकर के आज दिन तक आज की डेट से कंपेयर करें और इस कंपैरिजन में आप पाएंगे कि उस डेट का, बर्थ डेट का जो आदमी है वो आज के दिन, कितने महीने और कितने साल का हो गया है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। दूसरी डेट जो है दोस्तों, ये आपकी बर्थ डेट है, जैसे 2/9/2000, और इसको कैलकुलेट करके जो तीसरी डेट आएगी वो आपकी एज कहलाएगी। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऊपर 4 है, नीचे 2 है, यहीं से आप लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाएंगे कैलकुलेशन करते हुए, तो आपको बहुत ही आसानी रहेगी। यहाँ पर ध्यान दीजिए, 04 लिखा हुआ है, ये आपकी डेट है और ये मंथ है और ये ईयर है। इसी तरह से नीचे भी डेट, मंथ और ईयर दिया हुआ है। ये दो डेट आप लिख लेंगे। अब सबसे पहले लेफ्ट साइड में चलेंगे कि 04 लिखा हुआ है और नीचे जो है 02 है। ये चेक करना है कि यहाँ पर जो 4 लिखा है और नीचे 2 लिखा है, तो पहली डेट दूसरी डेट से बड़ी है या नहीं है। यदि बड़ी होगी तो यहाँ पर उसका माइनस हो जाएगा, यदि नहीं है तब प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पर देखिए, 4 में से 2 गए तो 2 आ रहा है, 10 में से 9 गए तो 1 आ रहा है, और 19 में से 0 गया तो 19 ही बचेगा। तो ये जो आदमी है जिसकी बर्थ डेट 2/9/2000 है, ये आदमी आज की डेट में 19 साल 1 महीना 2 दिन का हो गया है। दोस्तों, ये तो डायरेक्ट कैलकुलेशन हो जाती है, क्योंकि ऊपर वाली संख्याएं बड़ी हैं, नीचे वाली छोटी हैं। लेकिन तब क्या, जब ऊपर वाली संख्या छोटी हो और नीचे बड़ी हो, ईयर में तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये डेट में हो सकता है, मंथ में हो सकता है, तो ऐसे समय में क्या करेंगे दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। ऊपर वाली संख्या छोटी है, नीचे बड़ी है, नहीं जाएगी, तो हम मंथ में से 1 यहाँ पर माइनस कर लेंगे। मंथ में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 9। तो इसे थोड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि कैलकुलेशन में आपको मज़ा आएगा। तो 10 में से जब 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 9। लेकिन इस 1 को जो निकालेंगे वो डेज में डालेंगे, तो डेज में जब कन्वर्ट करेंगे तो 1 महीने में कितने दिन होते हैं, 30। तो ये 4 है तो 30 और 4 34 हो गए, ये ध्यान दीजिएगा। क्योंकि मंथ को जब निकालते हैं और डेज में डालते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है डेज में, तो 30 डेज का एक महीना एवरेज में होता है। तो यहाँ पर कितने हो गए, 34। अब 34 में से 25 आराम से चले जाएंगे और क्या बचेगा आपके पास, 9। ये काम खत्म हो गया एक। लेकिन अब 9 जो है
वो 12 से छोटे हैं, तो ऐसे समय में क्या करें? एक ईयर में से निकलेगा, और 2019 था, कितना बचा आपके पास? 2018। लेकिन दोस्तों जब ईयर एक निकलेगा और किस में जुड़ेगा? कैरी होकर के मंथ में, तो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? 12 और 9 कितने हो जाएंगे? 21। अब 21 में से 12 आराम से डिवाइड हो जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए 21 में से 12 गए तो नीचे कितने बचे? 9। अब आगे जो है वो ऑब्वियसली ईयर जो है करंट डेट का वो ज़्यादा होगा और बर्थ डेट का कम होगा, तो ये सीधा सीधा यहाँ पर माइनस हो जाएगा और कितने बचेंगे? 18 में से 11, 17। तो ये जो आदमी है जिसकी बर्थ डेट ये है, वो आज के दिन 17 साल 9 महीने और 9 दिन का हो गया है। तो देखिए दोस्तों कितना आसान है। कई बार आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, उसमें बताया जाता है कि आप आज की डेट में इतने दिन के, इतने महीने या इतने ईयर के हैं या नहीं, या नॉर्मली ईयर्स ही कैलकुलेशन कई बार आ जाती है कि 1 जनवरी को इतने आप साल के होने चाहिए, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इस प्रकार से इसको आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब दोस्तों इसको किसी भी लैंग्वेज में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ये जो आपने देखा है अभी मेथड, क्योंकि जितने मैथ में प्रॉब्लम्स होती हैं उतने ही किसी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाए जा सकते हैं। तो हम इसको जावा में बताने वाले हैं आपको कि जावा लैंग्वेज में इसका यूज़ किस प्रकार से करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले ऊपर एक यूटिल पैकेज लिया हुआ है, और इस यूटिल पैकेज में कैलेंडर एक्चुअली में स्टोर होता है। बहुत सारी और भी क्लासेस हैं लेकिन यहाँ पर कैलेंडर स्टोर होता है जिसको हम यहाँ पर लेंगे। तो पहली डेट के लिए हमने D1M1Y1 लिया है, दूसरी डेट के लिए D2M2Y2 लिया है, और तीसरी डेट के लिए D3M3 और Y3। मतलब दो डेट्स को जब माइनस करेंगे तो एक तीसरी डेट निकल करके आएगी। गेट सिस्टम डेट फंक्शन बनाया है, ये क्या काम करेगा? कुछ सिस्टम में करंट डेट होगी उसको गेट करेगा, जो भी करंट डेट होगी सिस्टम में आपकी वो कैसे आएगी? इस फंक्शन से। तो ये हमने अपना यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाया है। ये कैलकुलेशन क्या करेगा? ये कैलेंडर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है। कैलेंडर C इक्वल टू कैलेंडर डॉट गेट इंस्टेंस। तो ये कैलेंडर क्लास जो है वो यूटिल पैकेज में है, वहाँ से यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा जिसका नाम होगा C। अब पहली डेट जो है वो D1, वहाँ पर हम कैलेंडर से डेट एक्सेस कर रहे हैं, इसके लिए फंक्शन है C.get और ब्रैकेट में कैलेंडर डॉट डेट। तो जो डेट है, डे है, वो D1 में आ जाएगा। मंथ जो है वो M1 में आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों मंथ 0 से स्टार्ट होता है, तो इसलिए +1 करने की आवश्यकता पड़ रही है हमें। यहाँ पर कैलेंडर डॉट ईयर से कैलेंडर आ जाएगा। तो ये जो आपका गेट सिस्टम डेट फंक्शन है, ये हमारे पास D1, M1 और Y1 लेकर के आ जाएगा। इसके बाद जब ये काम आपका पूरा हो जाता है तो एक दूसरा फंक्शन हम तैयार करेंगे जो आपकी बर्थ डेट को रिसीव करेगा, और उसका नाम है गेट बर्थ डेट। बर्थ डेट में क्या आ रहा है? जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वहां पर डेट मंथ ईयर आएगा, और ये डेट मंथ ईयर जो ऊपर D2 के लिए वेरिएबल बनाए हैं तो वहां पर स्टोर हो जाएंगे D2, M2 और Y2। मतलब हमारे पास D1, M1, Y1 तो आ चुका है, और यहां पर क्या आ गया? D2, M2 और Y2। अब हमें कैलकुलेशन करनी है जो हमने आपको अभी अभी पीछे मैथ की कैलकुलेशन करके बताई थी। क्या कैलकुलेशन करना है? कि यदि D1 आपका D2 से छोटा होता है, मतलब ऊपर वाले जो नंबर है वो छोटे हैं और नीचे वाले बड़े हैं, तो करना क्या है? मंथ में से एक माइनस कर देना है। ध्यान दीजिए दोस्तों, यदि D1 D2 से छोटा होता है तो मंथ में से एक माइनस करना है, और D1 में 30 जोड़ देने हैं। तो इसका मतलब ऊपर वाली जो डेट है वो बड़ी हो जाएगी और नीचे वाली जो डेट है वो छोटी हो जाएगी। अब उसमें माइनस करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। यही फार्मूला आपको मंथ में भी अपनाना है। यदि मंथ 1 मंथ 2 से छोटा होता है
तो ईयर से एक निकले, ईयर से एक माइनस होगा, और एक ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो एक जब ईयर से माइनस होकर के निकलेगा तो वो किस में जुड़ेगा, मंथ में। मंथ में कितने जोड़ देंगे हम, 12, क्योंकि ईयर में 12 मंथ होते हैं और मंथ में हमें वैल्यू जोड़नी है। तो ऑब्वियसली अब ऊपर वाला जो मंथ होगा वो बड़ा हो जाएगा, नीचे वाला छोटा हो जाएगा, उसमें से हम आसानी से मंथ भी माइनस कर सकते हैं। दोस्तों इतना ही काम है, जब ये दो काम हो जाते हैं तो हम माइनस का कार्य जो है वो आराम से कर सकते हैं। अब नीचे देखिए, डे 3 जो है उसमें क्या क्या आना है, डे 1 में से माइनस करना है डे 2, तो D3 में आ जाएगा। इसी तरह से M3 में क्या आएगा, M1 से माइनस करना है M2, तो वो मंथ बन करके M3 में आ जाएगा। और Year 1 से Year 2 माइनस करेंगे तो Year 3 में आ जाएगा। तो दोस्तों हमारे पास डे भी आ गया, मंथ भी आ गया, ईयर भी आ गया। अब प्रिंट करना है तो आप अपने हिसाब से प्रिंट करा सकते हैं। उसके लिए सबसे हमने पहले बोला यू आर डे, ये प्रिंट होगा, और डे कहाँ से आएंगे, D3 से। मंथ प्रिंट होगा और मंथ कहाँ से आएंगे, M3 से। ईयर प्रिंट होगा तो ईयर कहाँ से आएगा, Y3 से। और लास्ट में लिख दिया ईयर्स ओल्ड। तो इसका जो आउटपुट आएगा दोस्तों वो ये आएगा कि यू आर डे जो भी होगा, और मंथ जो भी कैलकुलेशन करके आया होगा, और ईयर जो भी आया होगा वो प्रिंट हो जाएगा। अब इन फंक्शंस को मेन क्लास से कॉल करने की आवश्यकता है। तो मेन क्लास मैंने बनाई हुई है Age1, और मेन फंक्शन के अंदर हम पहुंचते हैं, और यहाँ पर जो Age2 नाम की ऊपर क्लास थी उसका क्या बना लेंगे, ऑब्जेक्ट बना लेंगे, जिसका नाम है Object1। अब सारे के सारे मेंबर यहाँ पर आ गए, Object1.getSysDate, इससे सिस्टम की डेट आ जाएगी ऑब्जेक्ट में। और Object1.getBirthDate, इसमें से हम वैल्यू पास कर रहे हैं 12/10/1999, जो भी डेट हम पास करना चाहते हैं, जिसकी जो बर्थ डेट होगी वो यहाँ पर जाएंगे, और कैलकुलेट फंक्शन पे ये सारी की सारी कैलकुलेशन हो जाएगी और डेट आपकी प्रिंट हो जाएगी। तो दोस्तों इस प्रोग्राम को ध्यान से समझें। अब इसे मैंने कॉपी किया है और ब्लू जे में आपको इसको रन करके बताता हूँ। ये एडिटर है, मैं अधिकतर इसका यूज़ करता हूँ छोटे मोटे काम के लिए। तो Age2 क्लास बनाई, उसमें उस प्रोग्राम को यहाँ पर पेस्ट कर लिया, क्योंकि यहाँ पर बनाता तो ये थोड़ा छोटा दिखता है तो आपको देखने में परेशानी होती है, इसलिए मैंने नोटपैड में पहले बना के रखा है, तो उसको यहाँ पर सीधा सीधा पेस्ट कर दिया। यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखें, वो पूरे का पूरा प्रोग्राम यहाँ पर आ चुका है। इस प्रोग्राम को अब हमें करना क्या है, कंपाइल करना है सीधा और उसे रन करके देखना है। तो सबसे पहले आप कंपाइल पे जाएं और कंपाइल करके आप इसको देखेंगे तो नीचे देखेंगे सबसे पहले कि इसमें कोई एरर तो नहीं है, तो नो सिंटैक्स एरर यहाँ पर आ रहा है। तो नो सिंटैक्स एरर है मतलब कोई एरर नहीं है, अब इसे हम रन कर सकते हैं। तो इसको आप क्लोज करें और इस क्लास पर राइट क्लिक करके मेन फंक्शन को कॉल कर लें। जैसे ही आप ओके बटन प्रेस करेंगे दोस्तों तो आपकी एज तुरंत यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। यू आर डे लिखा 22, मंथ 11 एंड ईयर 19 ईयर्स ओल्ड, मतलब आप 19 साल 11 महीने और इतने दिन के आप यहाँ पर हो गए हैं। तो दोस्तों जो भी डेट आप यहाँ पर देनी है वो दे सकते हैं। जैसे मैं एक दूसरी डेट दे के देखता हूँ, जैसे 2000 दे दिया मैंने सन यहाँ पे, तो इसको कैलकुलेशन करके देखते हैं कि क्या आता है। जैसे राइट क्लिक करके आप तुरंत इसको ओके करेंगे तो तुरंत ये आदमी 18 साल 11 महीने 22 दिन का हो गया है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही कंसेप्ट आप दूसरी लैंग्वेजेस में भी यूज़ कर सकते हैं, बस कंसेप्ट आना चाहिए। प्रोग्राम तभी बनेगा जब आपके पास कंसेप्ट होगा। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके बहुत काम आएगा। तो मिलते हैं नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।